हाय, तुझे देख ऐसा लग रहा है कि मेरे को मेरी बिछड़ी महबूबा मिल गई हो। एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन? अंदर तो तुम आ गए हो, शॉर्ट में नहीं बोल सकते क्या? सर, क्या आप मुझे अंदर आने की अनुमति दे सकते हैं? शॉर्ट में? हाय, मैं मर जाऊं, अंदर आ जाऊं? शॉर्ट में? शॉर्ट में पूछोगे? ये क्या मेला लग रखा है, जब देखो सारे एक साथ अंदर आ जाते। अरे मिलना तो तेरे से अकेले में ही था चौधरी, मगर ये जो थारा ब्रह्मचर्य है ना, ये चरमरा जाएगा। हाँ, काम बोलो सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी। बोलो भाई काम। सर, ये ऊपर से लेटर आया है, वो कहते हैं नीचे वाले काम नहीं करते, हम सब काम चोर हैं। हाँ तो ठीक है ना। हाँ सर, हमारी संस्कृति को खतरा है सर, हमारे शहर में अश्लील डांस हो रहे हैं और पब्लिक प्लेस में अश्लील रोमांस हो रहे हैं। गार्डन में चोर लड़ाते हैं बेकार में, घंटों एसी ऑन करके बैठे रहते हैं कार में। हाँ वैसे उन्हें एसी ऑफ करके गाड़ी भी ऑफ करनी चाहिए, पेट्रोल काफी महंगा हो गया ना। तू कितना भोला है, कतई नारियल का गोला है। अरे बेवकूफ आदमी, किसने भर्ती कर लिया तेरे को पुलिस में? यहाँ देश की महंगाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ देश के कल्चर की बात हो रही है। ये जो लड़का लड़की गार्डन में पार्क में इधर उधर पप्पी झप्पी पाते रहते हैं ना, हमें ऐसे लोगों को धर लेना है बस। क्यों धर ले भाई, क्या बिगाड़ना है तुम्हारा? अरे अगर आपस में थोड़ा प्यार कर रहे हैं तो प्यार ही तो बांट रहे हैं, क्या क्या बुराई है उसमें? सर अगर प्यार बांटना है तो घर में बैठ के बांटे ना, बाहर ना बांटे, नहीं तो और लोग भी लाइन में लग जाएंगे। तो फिर हम कैसे देखेंगे? गुगले, तुम क्या समझते हो हमें क्या करना चाहिए? हाँ सर, हमें ऑपरेशन करना होगा सर। गुगले बेटा, हम पुलिस वाले हैं, डॉक्टर नहीं, ठीक है? ये अरे कहाँ तक पढ़ा है तू, पढ़ा भी है या नहीं? अरे वो ऑपरेशन यानी कि डॉक्टर वाले ऑपरेशन की बात ना कर रहा, वो बात कर रहा है ऑपरेशन लैला मजनू की। हमें एक्शन लेना पड़ेगा। पता है मुझे। बोलूं अब मैं? सुन भाई गुलगुले, हम सब कल लव गार्डन में जाएंगे और सारे लैला मजनुओं को धर लेंगे और यहाँ डाल देंगे पुलिस थाने में। सर मैडम, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, हमें देखते तो भाग जाते हैं वो। आई थिंक ही हैज अ पॉइंट मैडम। मैडम, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अच्छा, मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे रहते तेरे दिमाग में आइडिया कैसे आ गया? मैडम आइडिया तो आपका ही है, बस आया मेरे दिमाग में है। मैडम क्यों ना हम भी वहाँ पर लैला मजनू बनकर जाएं, जिससे वो हमें उनके जैसा समझे और उसके बाद हम उन्हें समझ लेंगे। वैसे गुलगुले के आइडिया में काफी दम है। यो आइडिया गुलगुले का ना है, यो हमारा आइडिया है, पूछ ले गुलगुले से। हाँ मैडम, का आइडिया है? अच्छा, यो बात सही है, कल सब लोग खाकी वर्दी में मत आना, सिविल ड्रेस में आना, यहीं रिपोर्ट करना, यहीं से सबको रिपोर्ट करूंगी मैं। चलो निकलो। मैडम मैं थोड़ा सा ना पंबल पूसे में फंसा हुआ हूँ, मतलब कंफ्यूज हूँ ये, मतलब। अरे तू रंगीन बन के आइयो बस। ओके जी। अरे गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल दे जवाना। नहीं आई मैडम अभी तक। ये जवाब मत दे मेरे को। गुलगुले, इस ड्रेस में लग रहे हो तुम प्यारे, मैं कैसी लग रही हूँ बता रहे? एकदम क्यूटी पाई, वारे वारे। अरे बोले 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 बोले, क्या खिक्की क्या क्या मचा रखी है? कहाँ है सब लोग? गुप्ती किधर है? मैडम जी, मैं कल रात से सोच रहा हूँ, आपने हमें शादी वर्दी में भी बुलाया है। ताकि हमें कोई पहचान ना सके। पर मैडम जी, मैं तो आपको पहचानता हूँ, आप सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला जी हैं। और तू बेवकूफ आदमी है, तेरा तो ट्रांसफर करा दूंगी मैं गोपी। बोले 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 बोले। हम लोग डिस्गाइस में हैं। चल भाई गुलगुले, तू ये लव गार्डन में कोकिला के साथ जा, दोनों बाहों में बाएं डालो और आएं भरो। चलो चलो। नहीं चलें कोकी, चलो गार्डन। मौका चाहिए बस इन लोगों को, मौका चाहिए। चल भाई गोपी, तू बता किसके साथ चोंच लड़ाएगा? आपके हैं? नहीं नहीं, मैं कहने जा रहा था जी, वो प्रेस रिपोर्टर है ना अपना आशुतोष सिन्हा, मैं और वो हम दक्षिण दिशा से घुसेंगे, मैंने उसको बुलाया है। आपने बुलाया और मैं आ गया। मैडम एक बात पूछनी थी, एक गार्डन में दो आदमी ऐसे कैसे बैठ सकते हैं? अरे टेंशन ना ले, वो गाना नहीं सुना है तूने? अरे के गाना है वो? आदमी हूँ। गोपी चल गाना सुना। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? मैडम ये सब करना पड़ेगा मुझे? अरे देखो भाई, पत्रकारों का काम है पुलिस के साथ कोऑपरेट करना। मैडम ये कोऑपरेट नहीं, कॉम्प्रोमाइज है। भाई चलो चलो चल लेते हैं इसके साथ। अरे यो मक्खन सिंह कहाँ रह गया?
एकदम घटम लग रही है यार। सब इंस्पेक्टर चौटाला। गुलगुले, हम ऐसे ऑपरेशंस रोज क्यों नहीं करते? रोज एक दूसरे को देख आहे क्यों नहीं मरते? क्योंकि हम यहाँ इस लव गार्डन में अपनी ड्यूटी करने आए हैं। जरा देखो, तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है? हाँ? कहाँ है? कहाँ है? कौन है? किधर है? तुम। अरे यार, तुम इतना दूर दूर क्यों जा रहे हो मेरे से? हम यहाँ ऑपरेशन लैला मजनू के लिए आए हैं। वो तो ठीक है, आज तुम नहाए नहीं हो क्या? क्यों? तुम्हारे बदन से बदबू बहुत आ रही है। अरे यार, कमाल करते हो, अभी पिछले हफ्ते जो नहाया था। ओह, तभी इतनी बदबू आ रही है। वो सब छोड़ो यार, तुम ये देखो, कोई कपल यहाँ अश्लील हरकत तो नहीं कर रहा? देखता हूँ, देखता हूँ। यार, एक पीछे बहुत कल्चर आदमी बैठा हुआ है, हमारी तरफ ही देख रहा है ना? हाँ यार, लगता तो बहुत शरीफ है। अब जैसे हम बैठे हैं, कहीं हमें गलती ना समझ ले। हाँ, तुम तो न्यूज वाले हो, तुम तो पता चलता है। मैं तो पुलिस वाला हूँ, मेरे तो रिस्पेक्ट है ना कुछ यार? फिर हाँ। हाय। हेलो। थ्री इज ए कंपनी, टू इज ए क्राउड, माय नेम इज बेबो। वो देखो, वहाँ पे भी अश्लील हरकत हो रही है। तो होने देना अश्लील हरकत। देखो चंद्रमुखी, हम उन्हें रोकने आए हैं, ठीक है? तो पुलिस वाले भी ना बिल्कुल ही बावड़े होते हैं, सारी अच्छी चीजों को रोक लगा देते हैं। अरे मन्ने तो ना दिख रही, कहाँ हो रही अश्लील हरकत? कहाँ हो रही? कहाँ हो रही? कहाँ हो रही? कहाँ हो रही? वो वहाँ। Stop, पुष्पा रे, I mean to say bubbly रे, give me kiss रे। नहीं बांटी, नहीं, मुझे ना बहुत शर्म आ रही। ओके, तो तुम हंसते हंसते शर्माओ, मैं बेशर्म होके किस करता हूँ। क्लोज योर आईज यंग। किस करेगा लड़की को? पब्लिक प्लेस में किस करेगा? ज्यादा मस्ती आ रही है। कौन हो तुम लोग? मैं रिश्ते में लगती हूँ तेरी ताई, और यो है ताऊ। नाम है सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। नहीं, हम लोग तो ऐसे यहाँ पे घूमने आए थे यहाँ। अच्छा, यो छोरी के साथ खुले में असली हरकत करता है तू? हाँ, she is not छोरी, she is my wife, one and only। ओहो, तो मियाँ बीवी हो दोनों। नाम क्या है आपके? देखो, मेरा नाम है बंटी भल्ला और ये है बबली शर्मा। बबली भल्ला। yes. तो मैडम, आप इनकी वाइफ हो रही हैं? yes, हाँ। तो मंगलसूत्र किधर है? अभी गार्डन में आ रहे थे ना, तो मंगलसूत्र स्नेचिंग हो गया। हम लोग रिपोर्ट लिखवाने आने ही वाले थे, लेकिन पहले सोचा कि यहाँ के काम निपट लेता हूँ, बाद में आता हूँ। और मांग में तो सिंदूर भी मिसिंग है मिस्टर डाली। बारिश, मॉनसून, उसकी वजह से ना सारा सिंदूर बह के उनके होठों पे आ गया। देखो होठ कितने लाल है। ओके, चलो चले। अरे चलो चले किधर? ओ भाई मिलाला मजनू, पब्लिक प्लेस में इस तरह की अश्लील हरकत करने के जुर्म में यू आर अंडर अरेस्ट। ये था ऑपरेशन मजनू, जिसमें पुलिस ने कई सड़क छाप लैला मजनू को गार्डन में गुल खिलाते हुए पकड़ा है। जैसा कि आपने देखा कि ये पहला दस्ता था, और भी उम्मीद है लैला मजनू को पकड़ने की। हम आपको पुलिस स्टेशन से पल पल की खबरें देते रहेंगे, तब तक देखते रहिए कब तक। इस भाग के प्रायोजक थे पैरन बबली, गार्डन की धूप से सुरक्षा पैरन बबली। बहुत गर्मी है यार। बाप का नाम क्या है? किरण। और माँ का? ललित। और बहन का? विक्रमादित्य। अरे यार, आज मेरी वाइफ मुझे बहुत मारेगी जब उसे पता चलेगा ना कि उसकी चेन, अंगूठी और पायल कहाँ पे चले गए हैं। मार मार के मेरा भुर्ता बना देगी वो। मैं तो सिर्फ अपनी बीवी की पड़ी है। चलो इधर मेरे को देखो, अगर मम्मी को पता चलेगा तो मुझे कितना डांटेगी। नमस्कार। आपको कैसा लग रहा है आप अरेस्ट होते? यहाँ पे फाट लग गई और आपको मजाक सूझ रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हट ए अंकल। चल मैडम ने बुलाया है, चल हट 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 हट।
आपको बोल रहे हैं। हाँ, चल 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 चल। आप कुछ आप भी आइए ना। हाँ, ठीक है। आपने देखा कि एक मजनू शर्मा कर मुंह छुपाते हुए किस तरह चला गया। आइए हम आपको बाकी मजनू से मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपको कैसा लग रहा है रेस्टोकर? अब आप आ गए हो ना। अच्छा लगता है। मैं आशुतोष परसों तक नहीं कल तक नहीं क्या कब तक हाँ मैं आशुतोष कब तक। आइए हम आपको देश की और भी बिगड़ी स्थिति की ओर ले चलते हैं। आइए एक मेंबर रह गया था, भाई का नाम क्या है? शीला। हाँ तो भाई शाहरुख खान, क्या किया तूने लड़की के साथ? कुछ नहीं किया, कांदे गए उससे पहले तो मैं पकड़ा गया। ज्यादा मस्ती चढ़ गई है बेटा। गुलगुले चल इसके गले में टायर डाल के अंदर कर दे। अरे क्या डायरेक्ट गोली, एक मिनट ठहरो ना। देखे देखे मैडम, मैं ना बहुत शरीफ इंसान हूँ। हाँ हाँ वो तो हमें नजर ही आ रहा है। ये बता कि तू खुले में कैसा राफत दिखा रहा था हैं? घर पे टाइम ना मिलता तेरे को बीवी के साथ? जो गार्डन में एक्सरसाइज करने निकल पड़े दोनों, यो तेरी बीवी है? ना ना ना। अरे चुप हो जा बेटा गोपी। Hey, the name's not Gopi. The name's not Gopi. अरे क्या बोल रहा है तू? मैडम मेरा नाम तो गुलगुले है ना। अरे इस आदमी के चक्कर में मेरे दिमाग का अचार बन गया है। बेटा गुलगुले इसके गले में टायर डाल के अंदर कर। एक मिनट यार, डायरेक्ट गोली क्यों मार रहे हो? एक मिनट ठहरो ना, जरा क्लियर करने देना। ओके कंटिन्यू। आज समाज ने जब मुझ पर उंगली उठाई है आप लोगों ने, तब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बबली मेरे मोहल्ले में रहती है और मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ। हाँ बीवी के बाद जो प्यार होता है सच्चा ही होता है और आदमी को। अरे आई लव हर, आई लव यू बबली। हाय बबली, आई हेट टीयर्स। एक काम कर बेटा गुलगुले, इसका पता ले और इसकी बीवी ने खबर कर दे कि काका को प्यार हो गया रे। नहीं मैडम नहीं, प्लीज आप ऐसा मत करना, मेरी बीवी को यहाँ पे मत बुलाना। अरे वो तो बेचारी सती सावित्री पवित्र आत्मा है। प्लीज मैडम आप उसे ये सब कुछ मत बताना वरना उसे थर्ड हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे चुप, चल बता तेरी भारतीय नारी का नाम क्या है? मंजुला भल्ला। छी 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 छी, आंटी होकर लव गार्डन में इस लड़के के साथ क्या गुल खिला रही थी तुम? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, ये बदमाश मुझे फैला फुसला के लेके चला गया था। ये क्या कह रहे हो आंटी? आंटी मत कह, कितनी बार आंटी मत कहकर ये ले मार डालूंगी। पुलिस स्टेशन में कानून हाथ में लेती हो, हमने कितनी बार देखा है, आप ऐसे बनियान गिफ्ट में देती हो। नहीं मैडम मैं कोई बनियान गिफ्ट में नहीं देती हूँ, बल्कि यही बदमाश वाशिंग पाउडर के साथ बनियान बांटता फिरता है। मेरे पति को बनियान आती नहीं, मैंने इसको दे दी। मैंने क्या गलती की मैडम? अरे मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, हनुमान जी का व्रत है मेरा, आज मंगलवार का व्रत है मैडम। पटक सन्नाटा चाहता हूँ मैं, पिन ड्रॉप साइलेंस एंड नो वायलेंस, समझा? ओके ओके। हाँ भाई क्या गुल खिला रहा था आंटी के साथ लव गार्डन में? मैं कुछ नहीं कर रहा था आंटी के साथ, मुझे जाने दो अंकल। अंकल? नहीं नहीं मैं तो है ना ये राशन वाले के वहाँ आंटी सप्लाई करता हूँ। नहीं नहीं मेरा मतलब है मैं आंटी के वहाँ राशन सप्लाई करता हूँ। और इंस्पेक्टर साहब मैं इसी से मल्टीप्लाई करने चली थी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं मुझे बिल्कुल माफ मत करिए, मुझे सजा दीजिए, फांसी की सजा दीजिए। चुप होगी? इसके पति का पता करके लाओ। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति एकदम सच्चे आदमी, पवित्र आदमी, सच्चा प्यार करते हैं मुझसे, उन्हें पता चलेगा तो सदमा लग जाएगा, ऊपर चले जाएंगे, मुझे व्हाइट कपड़े पहनने पड़ेंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब आई हेट व्हाइट कलर। ये टेप रिकॉर्डर बंद कर अपना मुंह। क्या नाम है तेरे पति का? बंटी भल्ला। ये जो कांड किया ना तूने, इसके पूरे 10,000 रुपए लगेंगे। बबली तू एक काम कर, तू मोहल्ले में जा, वहाँ पे जेम्स टेलर है, वहाँ पे मोंटू बैठा होगा, मोंटू को कहना के बंटी भैया। भैया कौन हो गया? बंटी भैया से एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, 10,000 रुपए भाभी से मंगवाए हैं। मोंटू को बोलना भाभी से 10,000 रुपए ले और वो पैसे तुझे दे दे और तू वो पैसे लेके यहाँ पे आना, समझ गई ना? मैं जाऊं इंस्पेक्टर साहब? अरे जल्दी जा, मैं और भी काम है। हाँ। जल्दी आना। अरे गुलगुले तुमने क्या लगता है ये जो लड़की गई है ये वापस आएगी?
मैडम मुझे नहीं लगता ये वापस आएगी, वैसे ये नहीं आने का इशारा भी करके गई है मुझे। क्या? तो पहले मुझे बताना चाहिए था ना। अरे चुप साले बंटी के बबलू, जो लड़की अगर वापस ना आई ना तो सुन ले तेरी ऐसी जमाई खतर करूंगी ना मैं, समझा तू? एक मिनट मैडम, मैं अभी है ना मंजुल्ला को फोन करता हूँ कि भाई मुझसे एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया है, तो प्लीज 10,000 रुपए लेके यहाँ पे आ। ओके, लेकिन मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे लफड़े के बारे में मेरी वाइफ को मत बताना। इंस्पेक्टर साहब, मेरे एक्सीडेंट की खबर सुन के मेरे हस्बैंड तुरंत पैसा लेके दौड़े चले आएंगे, बस एक गुजारिश है जब वो आए तो आप प्लीज मैडम आप भी उनको हितेश के बारे में मत बताइएगा, उनका दिल टूट जाएगा। तू आंटी फटाफट अपने पति को फोन कर। अरे राजेश खन्ना चुप हो जा, चल जल्दी फोन लगा। एक एक मैं मंजुला को फोन करता हूँ। ओके, ये देखो मंजुला का फोन आ गया, जरा प्राइवेट बात है, कान बंद करो ना। अरे तेरा तो एक मिनट, नो प्रॉब्लम, मैं प्राइवेटली जाता हूँ ना, वहाँ पे बात करता हूँ। घंटी बज रही है, फोन उठाओ बंटी। हेलो हेलो मंजुला बल्ला। हेलो बंटी, बंटी बंटी 10,000 रुपए लेके यहाँ आ जाओ, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। I'm sorry. हेलो बंटी, तुम यहाँ? My God मंजुला, तुम यहाँ? अच्छा, आज तो चौकी में दिवाली होगी बेटा। वाह 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 वाह, क्या लाड़ है मियाँ बीवी में, कि दोनों एक जैसे एक्सीडेंट करते रहे, पकड़े गए, सेम टू सेम। सेम टू सेम मतलब कि मंजुला तुम? बंटी तुम? मंजुला वो लड़का कौन था? उस लड़के को मारो गोली, ये बताओ कि वो डायन कौन है, इसके साथ तुम घूम रहे थे? ओहो, अरे वो राशन वाले का लड़का होगा। मंजुला, मम्मी चंद्रमुखी चौटाला के होते हुए लेडीज पार्ट उठाएगा तू? है थैंक यू सर जी, थैंक यू मैडम। मैडम अरे चुप, 50,000 रुपए निकाला तुमने, चलो। 50,000 कहीं को? यो फाइन है फाइन, कानून को धोखा देने का फाइन नहीं, जो धोखा तुम दोनों ने एक दूसरे को दिया है यो उसका फाइन है, चलो निकालो। सी मैडम मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, प्लीज बी क्लियर। इस देश में हाँ। कोई सिग्नल तोड़ दे तो उस पर फाइन लग जाता है हाँ। मगर कोई रिश्ता तोड़ दे तो कोई फाइन नहीं। जो नहीं चाहती है इसलिए आज से इस चौकी में मैंने नया कानून बनाया है, रिश्ता तोड़ो फाइन 50,000 रुपए, चलो। लगता है मंजुला ये लोग मानेंगे नहीं, इनको ना 50,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। देखे इंस्पेक्टर साहिबा, मैडम गलती हमारी है, हवालदार को घर पे भेज दो, मैं 50,000 रुपए दे देता हूँ। ओके, गलती मेरी है बंटी, आई एम सॉरी। अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि लव गार्डन में मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगी, भगवान की कसम बंटी। मैं भी तुम्हारे साथ ही बैठूंगा, और वो भी रोज रोज बैठूंगा। ओके सच्ची? रोज बैठना लेकिन आज नहीं, ठीक है? आज क्यों नहीं? अरे इंस्पेक्टर साहब ने एक बार कह दिया नहीं तो नहीं, चला निकला सर। वी आर पेइंग 50,000 रुपीज। साल अर्तू मक्खन सिंह, अरे अच्छा खासा मियां बीवी लव गार्डन में आज घूमने जाने वाले थे, खुद तो ब्रह्मचारी कुछ करता नहीं, दूसरों को भी ना करने देता। वो इसलिए क्योंकि आज लव गार्डन में हम दोनों जाने वाले हैं चंद्रमुखी। ड्यूटी पे सोना ना अच्छी बात नहीं है, और मैं सो रही हूँ और सपना देख रही हूँ, मैंने चूटी काट के जगा दे। ओके, एक मौका दिया नहीं, कितनी जोर से चूटी काट दी। क्या कह रहा था तू, मैंने गार्डन में लेके जाएगा? वो क्या है चंद्रमुखी कि मैं तुम्हारे विचारों से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गया हूँ, और आज मैंने डिसाइड करा है कि हम दोनों को बाग में बैठकर हमारे दिनों को बाग बाग करना चाहिए। आज मैं तुम्हारे ये हाथ अपने हाथों में लूंगा, तुम्हारी सांसों को मैं महसूस करूंगा, तुम्हारी खुशबू को महसूस करते हुए, और जब तुम अपनी आंखों से मेरी आंखों में देखोगी तो क्या करेगा? तो मैं आसपास देखूं, ताकि जो भी कपल्स लव गार्डन में लैला मजनू के गेम्स खेल रहे हैं हम उन्हें रेस्ट कर लेंगे। ऑपरेशन लैला मजनू जो है ना। शाड़े तेरे को दिखता नहीं है नो पार्किंग है? अरे साहब ये तो ऑटो स्टैंड है। ऑटो स्टैंड पर तू तो बैठा है, चल पाँचो निकाल साहब धंधा पानी। अरे निकाल पाँचो निकाल, चल 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 निकल चल चल निकल ले निकल ले निकलता हूँ निकल चल 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 मत दिखा अपनी निकाल निकाल।
यार गोपी, ये लोग हमें रिश्वत तो दे देते हैं लेकिन इज्जत नहीं देते यार। यार इज्जत सिर्फ उस इंस्पेक्टर के डंडे की है। तू चिंता मत कर यार, अपना इंस्पेक्टर हनुमान है ना, उसका डंडा हम दो चार दिन के लिए उधार ले लेते हैं। गोपी बात डंडे की नहीं है यार, बात पोस्ट की है। मैंने तो अपने बेटे तक को बोल रखा है कि मैं हवलदार नहीं एक इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर क्या बात करता है यार, तेरे को ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे यार वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, अंग्रेजी स्कूल में कितने बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद पता है तुझे, उनको पता चला कि वो एक हवलदार का बेटा है तो उसकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी यार? अरे मैं तो ये अपनी यूनिफॉर्म पहन के भी अपने घर नहीं जाता हूँ। कल को तेरे बेटे को पता चल गया तू हवलदार इंस्पेक्टर नहीं तो? इसी बात की तो चिंता है गोपी, कल मेरा बेटा अपने दोस्त को लेकर हमारी चौकी पर आ रहा है ये शो ऑफ करने के लिए कि उसका बाप कितना बड़ा इंस्पेक्टर है, कितना बड़ा। अरे यार तू बंदा है पजामा है, तेरे आड़ी तक तो इंस्पेक्टर चुटाना ले लेती है, तू इतना बड़ा झूठ बोल के है तू। पर तू चिंता ना कर, वो देख सामने रात की बोतल और मुर्गे का इंतजाम हो गया है। आजा 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 जी, गुड मॉर्निंग बहन जी, आप जाइए। किसकी बहन है? किसकी बहन? ए डार्लिंग डार्लिंग, हाँ कल मिलेंगे। हम यहाँ पर इतनी देर से काम कर रहे हैं और तुम ये किस प्रकार का काम कर रहे हो? ओए मामू तू कौन है यार, चुपचाप यहाँ से तो निकल ले, समझा कि नहीं? नहीं तो तेरी इज्जत के साथ ना तेरी पटलून उतारूंगा, समझा ना? अबे तमीज से बात कर। जानता मैं कौन हूँ? कॉर्पोरेटर नाइक का बेटा हूँ। कॉर्पोरेटर नाइक का बेटा। किसका? कॉर्पोरेटर किसका? कॉर्पोरेटर का। भाई साहब बात ये है, देखो हवलदार के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं कभी, ऐसा हो साले बोले तेरे कान की दोनों दो कंचा पानी, समझा कि नहीं? दिमाग की दही कर दिया, कभी मेरे आँख के सामने आना नहीं तुम लोग। हाँ मैं ऐसी जगह ट्रांसफर कराऊंगा ना कि जहाँ तुम वापस भी नहीं आ सकते, समझा ना? चलो यहाँ से फुट लो अभी तुम लोग। यार ये तो बहुत, तू चिंता मत कर गुलगुले, चिंता मत कर। देखो ना किसी ने देखा है ना किसी ने सुना है, सिर्फ मैंने ही देखा है और मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तुम्हें पता है मेरा हाजमा कितना मजबूत है, मैं तो समंदर पी के डकार ना मारूं। गोपी ज्यादा लाल तो नहीं हुआ है ना? नहीं नहीं कोई नहीं, नहीं। लड़की छेड़ेगा, लड़की छेड़ेगा, लड़की छेड़ेगा, मजनू की वल्लो। इंस्पेक्टर साहब आप ही मार दो, आप क्या ज्यादा नाजुक है। एक मारूंगा पूरी बॉडी में कड़की छा जाएगी। चुप है, तेरी रेपुटेशन तो बड़ी गंदी हो रही है हनुमान प्रसाद, मैं भी तो देखूं तेरे हाथ कितने नाजुक। क्या कर रही है? मेरे सर मिले। मैडम वो अपना गुलगुले क्या बात कर रहा है बेटा, गुलगुले शाबाश बेटा, सुना है आप पिट के आए हो? नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो यो गोपी झूठ बोल रहा है। तेरी तो क्या, अबे मारना है उसको मारना जिसने तेरे गाल पे धार से थप्पड़ मारा है। छोड़ी ना, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मैं तो एक मामूली हवलदार हूँ, मार खाने की आदत सी पड़ गई है। अबे क्या बोल रहा है तू, तू पुलिस वाला है, तेरे पास पिटाई का लाइसेंस है, लगा देता उसके एक दो। कौन था वो? कॉर्पोरेटर नायक का बेटा था वो। अरे ऐसे कैसे पुलिस वाले पे हाथ उठा दिया उसने, कॉर्पोरेटर की टर्मिनेटर अभी धर के ला। मैडम 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 छोड़िए ना, वो बड़ा आदमी है और मैं महज एक हवलदार। अरे इतना पिटने के बाद भी इतना ढीठ है तो उदास क्यों है, खुश हो? मैडम एक्चुअली बात ये है, आज इसका बेटा ना यहाँ पुलिस स्टेशन आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं गोपी, अरे कितने साल का तेरा बेटा? 8 साल का है मैडम। अरे बेड़ा गरक, 8 साल में इतना बिगाड़ दिया, क्या कर दिया तेरे लड़के ने, लूटपाट कत्ल चोरी? नहीं 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 मैडम, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो और उसका दोस्त यहाँ पर घूमने आ रहे हैं। क्यों भाई, ये चौकी तन्ने चिड़ियाघर लागे और ये अफ्रीका का जिराफ बैठा है के? ओए चौटाली, सब इंस्पेक्टर चौटाला। मैडम मैडम दरअसल उसने और उसके दोस्त ने कभी पुलिस स्टेशन नहीं देखा ना, इसलिए आ रहे हैं। मैं बताता हूँ मैडम अंदर की बात क्या है, गुलगुले ने ना अपने घर पे अपने बेटे को बोला हुआ है ये पुलिस स्टेशन में हवलदार नहीं इंस्पेक्टर लगा हुआ है, इसका बेटा अपने दोस्त के साथ आ रहा है अपने बाप का रुतबा दिखाने। वाह जी वाह, कलयुग के हरिश्चंद्र जी सत्यवादी, क्या कह रखा है घर में आपने कि आप इस चौकी के बॉस हैं? जी मैडम। मतलब हम आपके चेले चपाटे हैं? जी मैडम। और ये जो इंस्पेक्टर है ये थारे लिए चाय पानी लाता है? जी मैडम। मैं क्यों? हाय
अब जब बेटा आएगा तो सारा राज खुल जाएगा, बना बनाया सारा इम्प्रेशन धुल जाएगा। जी मैडम। अब तो ठीक है ना, फिर बच्चे को मना कर देना। अरे नहीं 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 सर, सर ऐसा कैसे कर सकते हैं सर, सर छोटा सा बच्चा, उसका दिल टूट जाएगा सर। हाँ तो टूटने दे। अरे क्रूर निर्दयी कठोर राक्षस, बच्चा का दिल तोड़ेगा, खुद का तो दिल है नहीं। अरे क्या करें अब, क्या करें क्या करें। अरे गुलगुले तेरे दिमाग में मेरे इतने आइडिया आते हैं, आज कोई आइडिया ना आ रहा। आया ना एक आइडिया आया है मुझे मैडम। जल्दी सुनो, जल्दी सुनो। मैडम अगर ऐसा हो सकता है कि एक दिन के लिए आप सब लोग हवलदार बन जाएं और मैं इंस्पेक्टर। बड़े उच्च विचार वाले आइडिया आ रहे हैं, मतलब तू हमसे चमचागिरी करवाएगा। जी मैडम। खुद इंस्पेक्टर की टोपी पहन के हमसे आपको टोपी बनाएगा। जी मैडम। वाह, मतलब इस इंस्पेक्टर से तू चाय पानी मंगवाएगा। जी मैडम। चलो भाई, मासूम बच्चे के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। क्यों भाई, क्या ख्याल है तेरा? भाई अब जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? पर अभी तो हमारी शादी कोई ना हुई तो मियाँ बीवी कैसे बन जाए? एक मिनट, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं मुहावरा मारेंगे। थैंक यू। हाँ तो मैं भी कोई तेरी बात ना कर रही थी, मैं भी तेरा गंदा मुहावरा। गुलगुले बेटा, आज से तू ये पूरी चौकी संभालेगा और तेरे इस इंस्पेक्टर को तो मैं संभालूंगी। अरे आज आप हवलदार हैं इसलिए आइए हम बाहर भ्रमण करें, यानी कि मुआयना। चलिए मुलायम सिंह गुलगुले, आज से आप हैं इंस्पेक्टर साहब। वेरी गुड। सलाम कीजिए मैडम। ज्यादा मजे में आ रहा है, शेर को भी टायर डाल के अंदर कर दो। सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी। चलो, अरे चलिए आइए। मुलायम सिंह गुलगुले अमर रहे। अरे अब उतर है पिंकू। अच्छा अच्छा, देख पिंकू, यही वो पुलिस स्टेशन है जहाँ के इंस्पेक्टर मेरे पापा है। अच्छा, तेरे पापा हफ्ता लेते हैं? अरे हफ्ता क्या, महीना लेते हैं महीना। अरे उनको हर महीने जो तनख्वाह मिलती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे पापा है ना एकदम नाना पाटेकर टाइप है। देख मैं तुझे है ना मेरे पापा की स्टाइल दिखाता हूँ, उनका पावर दिखाता हूँ, पावर। ओ अंकल लोग आंटी यहाँ पे आइए फटाफट। माने तू क्या है, फटाफट सलाम मारो, सलाम मारो। ए, कौन है तू? मैं यहाँ के इंस्पेक्टर गुलगुले का बेटा हूँ, बुलबुले। सलाम सब। जाओ यहाँ से, निकल जाओ कह रहा हूँ, गेट आउट। जाओ, हवलदार अपनी टोपी ना पहने, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यू कैन गेट आउट। गलती होगी सर, गलती होगी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी सर। गलती होगी बेटा, बुलबुले तू आ गया बेटा। हाउ आर यू बेटा, कैसा है तू? वैसे ये हवलदार हनुमान प्रसाद और ये चौटाला कहाँ गए? इतने लंबे चौड़े तेरे सामने खड़े हैं, दिखाई ना देते। पापा सर जी आपके सामने ही तो खड़े हैं, क्यों गले का तकलीफ दे रहे हो? आई नो, या वैसे मुझे वो खतरनाक क्रिमिनल्स की फाइल लाकर दो, आज मैं उन्हें अरेस्ट नहीं करूंगा। आई विल शूट देम राइट नाउ। आई विल शूट। कंट्रोल सर, आपका बीपी हाई है सर, कंट्रोल। ए लंबो, जाओ फटाफट जाके अंदर के लिए डंडा लेके आओ, जाओ फटाफट काम करो। Go right now! तो बेटा गुलगुले बुलबुले, आज आ जाओ, मैं तुझे वो पुलिस स्टेशन दिखाता हूँ जिसके अंदर तेरा बाप एक इंस्पेक्टर है, और उसकी क्या शान है, क्या शौकत है। तूने तो कहा था कि तेरे पापा नाना पाटेकर की तरह है। वो 20-20 में अमिताभ बच्चन हो जाते हैं। बुलबुले बुलबुले, ये देख ये है तेरे पापा इंस्पेक्टर गुलगुले का पुलिस स्टेशन। काम पे ध्यान दीजिए आप, काम पे ध्यान दीजिए। ए गुलगुले, तेरा फोन है। पापा, ये आंटी आपसे कैसे बात कर रही है? आई मीन इंस्पेक्टर गुलगुले आपके लिए फोन है। यस यस, ट्रेनी कुछ आता नहीं ऐसे। एक्सक्यूज मी, हेलो हवलदार गुलगुले, इंस्पेक्टर गुलगुले स्पीकिंग। यस यस यस, नो क्रिमिनल इज टू बिग फॉर इंस्पेक्टर गुलगुले। या शूट द क्रिमिनल, शूट हिम। अरे अंकल आप कितने स्ट्रांग हो। अरे यार ये तो कुछ नहीं है, मेरे पापा तो सुपर हीरो। क्रिश, ये तो अपना रोज का काम है, चलता रहता है। ओह लंबू अंकल, इधर आइए। क्या है? मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए बोला था ना। अब
हवलदार हवलदार ये कैसी सर्विस है? अगली बार ऐसी गलती की ना तो नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें। यस सर, ला रहा मैं आपके बुल्लू के लिए कोल्ड ड्रिंक। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने ये हवलदार के कपड़े पहने? और हवलदार साहब, आपने इंस्पेक्टर के कपड़े? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने ये हवलदार के कपड़े पहने? और हवलदार साहब, आपने इंस्पेक्टर के कपड़े? चुप है, मैं हवलदार हूँ और वो इंस्पेक्टर साहब है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब वो चलना मेरे साथ। लेकिन वो पापा, क्या मैं पूछ सकता हूँ वो अंकल क्या कह रहे थे? बेटा वो क्या है ना, वो हनुमान प्रसाद बहुत ही गरीब आदमी है और उसकी अंधी माँ उसे इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म में देखना चाहती थी, तो इसलिए मैं कभी कभी वो इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहन लेता है। इट्स ओके, बहुत दिल वाले हैं। अरे यार ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पापा के पैर छू, पैर छू। बुलबुले तुम भी छुओ। कुछ है, कुछ है। अरे तुम्हारे पापा के बहादुरी के किस्से तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में मशहूर है क्यों भाई? अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे आप हैरान क्यों हो रहे हो, भूल रहे आप? अरे आपने 6-6 आतंकवादियों के हाथ कटवा दिए थे जो पहले से मरे हुए थे। और वो जो बच्चे को किडनैपर से बचाया था उसके लिए तो इन्होंने इनाम भी पाया था। और सर आपको याद नहीं है आपने उस चोर को पकड़ा था 30 माले की बिल्डिंग से छलांग लगाकर? 30 25 25 चलो ठीक है सर 20 20 चलो सर ना आपकी ना मेरी 15 में मान जाओ प्लीज। 15 ऑफ कोर्स 15 15 डाइव फ्रॉम 15। मेरे पापा इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर ठीक है भाई, मान गया। वो गोपी, वो जो इंस्पेक्टर साहब किसान में हम लोग गाना गाते हैं, बच्चों को सुना दे चल। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, मैं सब कुछ तू। दिल दिया है क्या भी देंगे, ओ गुलगुले मेरे लिए। अंकल यहाँ आइए, आप है ना बहुत बेसुरा गाते हो, और अगर आपने फिर से गाया ना तो पापा को कह के आपकी ट्रांसफर करवा दूंगा। और जाइए और फटाफट हम दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक लाइए। ठंडा कितना ठंडा पिएगा यार? आपको क्या जा रहा है, आपको जो बोला वो करिए वरना इंस्पेक्टर अंकल को बोल दूंगा। चाय पी लो यार। चाय, हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए। हाँ लो लो। गुलगुले क्या बात हो गई, खुशी बर्दाश्त ना हो रही है ना? क्यों गुलगुले, तुम्हें हमारी एक्टिंग पसंद नहीं आई क्या? लेकिन एक्टिंग ही तो है सर, सर असलियत तो कुछ और है। मैं इंस्पेक्टर गुलगुले नहीं हूँ सर, मैं हवलदार गुलगुले हूँ जिसे एक कॉर्पोरेटर का बेटा थप्पड़ मारकर चला जाता है और यहाँ पर मैं कानून का डंडा हाथ में लेकर खड़ा रहता हूँ। यही सच्चाई है सर। सर सर मैं इंस्पेक्टर गुलगुले नहीं, मैं कीड़ा हूँ, कीड़ा इसे कोई भी रोंद के चला जाता है सर। बुलबुले बेटा तू रो मत, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ और मैं तेरा दर्द दूर भी करूंगी। भाई हनुमान प्रसाद पांडे, आपने मेरे को भाई बुलाया? अरे भाई नहीं भाई, फोकस। आज तेरी इम्तिहान की घड़ी आ गई है। क्यों? चल मेरे साथ। कहाँ जाना है? गुलगुले का सम्मान उसे वापस दिलाना है। चल। बेटा बुलबुले अरे जल्दी कर दे। ए चमेले, क्या यार भाव गाती है इतना? ए मामू कौन है तू? अबे ओए रंग बिरंगे ना, चिल्लाना बंद कर। और यो थारा मामू ना है, यो तो थारा ताऊ है, ताऊ। और मैं तेरी ताई हूँ। ए श्रीदेवी, तू जानती है मैं कौन हूँ? अबे ओए अपनी झाड़ना बंद कर और ये सुन कि मैं कौन हूँ। हम हैं सत्यवादी सदाबहार हवलदार इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। ए हाथ मत लगा सामने ना, दूर 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 से बात कर। अरे 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 इंस्पेक्टर साहब क्या कर रहे हो आप हाथ लगा रहे हो? अरे यो बड़े बाप की औलाद है, इसको हाथ नहीं लगाते, इसको तो सिर्फ ला लगाते। तू जानती है मैं कौन हूँ? मैं कॉर्पोरेटर का बेटा हूँ। कॉर्पोरेटर ही कॉर्पोरेटर का बेटा हूँ। किसने कहा तुझे? मेरे बाप ने कहा यार। बाप ने कहा? तूने वहां से कंफर्म किया?
क्यों पूछूं? अरे माँ से कंफर्म कर लेता तो डाउट तो क्लियर हो जाता। अच्छा चल ये सब बंद कर, चल मैं तेरे को पिक्चर दिखाने लेके चलता हूँ, ठीक है? हाँ। कौन सी पिक्चर? लेटेस्ट है, हवलदार पे हमला। मेरा टर्मिनेटर देखी है ना? हाँ? तो बस कोशिश करना कि निशाना सही जगह लगे, थोड़ा इधर उधर भी लगेगा तो चलेगा, वैसे आदमी जरूरी नहीं है। सही कहा है किसी ने, जब किस्मत खराब हो आदमी ऊंट पे भी बैठा हो ना वहाँ भी कुत्ता काट लेता है। चलो रेडी? यस। ओके 1 2 3 फायर। चल बड़े बापू वाला, तुम ए हवलदार तू, और ये क्या तेरे सर पे इंस्पेक्टर टोपी? ओ अंकल ये कोई हवलदार नहीं है, ये इंस्पेक्टर है, मेरे पापा है पापा। क्या मजा कर रहा है, अबे तेरा बाप इंस्पेक्टर नहीं है, हवलदार है। ओए भूल गया क्या, सुबह तेरे कान कीचे बजाते नहीं? अरे ज्यादा बोल रहा है साले, झूठ बोल रहा है बेटा, ये झूठ बोल रहा है, इसकी तो मरम्मत करते हैं। हां नहीं तो तेरी तो। ए क्या नाटक है, क्या नाटक है? डैडी रे यो पुलिस चौकी है तेरा घर नहीं, आवाज नीचे करके बात कर, कौन है तू? कॉर्पोरेटर नायक नाम है मेरा। हाँ तो होगा तू कॉर्पोरेटर नायक, तेरी आरती उतारूं क्या? चुपचाप जाके कोने में बैठ जा। ए मालूम है किससे बात कर रहा है तू? अभी कमिश्नर साहब को फोन किया है, आते ही होगे। Yes, I'm here, I'm here. So, sir. क्या I'm here, here, here कर रहे हो? सबमिट करो सबको। सबमिट करो? मेरा मतलब है सस्पेंड करो सबको। सस्पेंड करो क्यों? क्यों बात क्या है? सर, सर इस आदमी ने हमारे साथी को ऑन ड्यूटी थप्पड़ मारा है सर। क्यों मिस्टर नायक, क्या ये बात सही है? अरे गलती हुई होगी ना, गलती हुई होगी। अरे मजाक मजाक में हुआ होगा, तो आप क्या मेरे बेटे को यहाँ उठा के लेके आएंगे पुलिस स्टेशन में, मारोगे उसे? अरे ये कॉर्पोरेटर का लड़का है, पुलिस का नहीं है। अरे पुलिस है ना हमारी नौकर है, नौकर हमारा काम करना चाहिए तुमको, तुम सबको है ना मैं देख लूंगा। कमिश्नर तू देख क्या रहा है, देख क्या रहा है? अगर तूने एक्शन नहीं ली ना तो मैं तेरे ट्रांसफर कर दूंगा चिंतपोकली, समझा? अरे देख तू चीज क्या है, अरे तू चीज क्या है, चीज क्या बोल रहा तू? मैं ये चीज हूँ समझा, हम सबको सस्पेंड कराएगा तू, हमको और हमारे साथी को ट्रांसफर कराएगा, अबे तेरा बाप का राज है क्या? ये दोबारा कभी पुलिस के बारे में उल्टा सुल्टा बोला तो तुझे थप्पड़ नहीं मारूंगा, तेरी जान ले लूंगा। प्राउड ऑफ यू माय बॉय, प्राउड ऑफ यू। ना जाने तुम जैसे अनपढ़ गंवार और जाहिल लोग कॉर्पोरेटर कैसे बन जाते हैं। अरे देश का नाम ऊंचा करने की बजाय देश का नाम मिट्टी में मिलाते हैं। इन दोनों बाप बेटों की ऐसी हालत करो कि आगे से पुलिस से पंगा ना ले सकें, और अगर जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, मैं एम्बुलेंस भिजवा दूंगा। पापा मुझे माफ कर देना बेटा। आई एम सॉरी पापा, मैं समझता था कि हवालदार मामूली होता है, पर आज आप मेरे लिए कमिश्नर से भी बढ़कर हो गए हो। आपने सबको ठीक कर दिया पापा, आपने सबको ठीक कर दिया। अंकल आपकी तो निकल पड़ी। अरे ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पापा तो सचमुच सुपर हीरो है। क्रेश, क्रेश, क्रेश।